देखो कल कलश यात्रा का आयोजन किया गया था साधु संतों के सानिध्य में, और रात्रि को भव्य जागरण हुआ था जिसमें श्री निश्चलनाथ जी महाराज ने भजनों की रसगंगा बहाई थी। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ था, काफी श्रद्धालु आए थे। और अब हवन होगा, हवन के बाद में नवलगढ़ से पैदल निशान यात्री आएंगे, जो अपने दक्षिण मुखी बालाजी और गणेशपुरा से चल करके निशान यात्रा लेकर के आएंगे। उसके बाद महाआरती होगी, भगवान गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव मनाएंगे, केक भी काटेंगे। उसके बाद में महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा जो प्रभु इच्छा तक चलेगा। सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना कब हुई थी? सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना हम ये 25वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, 25 साल पहले हुई थी। और अपने सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना होने के बाद में शेखावाटी के अंदर गणेश जी का बहुत ही गली गली के अंदर, गांव गांव के अंदर जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्थापना के पीछे क्या राज था? अपनी श्रद्धा भावना, गणेश जी महाराज के प्रति अति श्रद्धा थी मेरी। मैंने सोचा गांव के अंदर मंदिर भी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर गणेश जी महाराज का बहुत बड़ा पावन पर्व मनाया जाता है। मैं 25 साल महाराष्ट्र रहा हूँ, वहां पर श्री सिद्धि विनायक गणेश जी के मंदिर में मैं हमेशा जाता था, मेरी श्रद्धा थी। और जब गांव में आया तो गांव में देखा कि यहाँ पे कोई मंदिर भी नहीं है, गणेश जन्मोत्सव मनाया भी नहीं जाता है। तो मैंने मंदिर की स्थापना की, और आज तो सब गांव गांव के अंदर, बहुत ज्यादा गांव के अंदर मंदिर भी बन चुके हैं, और भव्य गणेश जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के अलावा और मंदिर में कब कब प्रोग्राम होता है? ज्यादातर तो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का मंदिर और एक अपना लक्ष्मी जी का मंदिर है, दोनों के भव्य प्रोग्राम आयोजन किया जाते हैं। मैं करीब 25 वर्षों से, जब से यहाँ का ये मंदिर बना है तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ बराबर, और गणेश जी महाराज का दर्शन भी करते हैं, और इसका चर्चा भी काफी फैला हुआ है, और चारों ओर से भक्तगण यहाँ आते हैं। 25 सालों से आप लगातार ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिला है? देखिए ऐसा है कि गणेश जी महाराज का एक बार दर्शन हो जाए और चतुर्थी के ऊपर, उसके बाद में सारे कार्य वो गणेश जी महाराज लोगों के करते हैं, उसी प्रकार सभी के करते हैं। यहाँ आने के बाद में मनोकामना भी पूरी करती है,